हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। आज हमारे समक्ष सबसे पहले जो रॉन्ग सेंटेंस है यह है, वर्षा सॉ ऑन अस्लीप मैन। वर्षा ने एक सोते हुए आदमी को देखा। स्लीप में सोता है, सोता हुआ, सोता हुआ। बट यहाँ पे इशू है, अस्लीप का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वर्षा सॉ मैन अस्लीप, अस्लीप लास्ट में आ जाएगा। हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों आएगा, लेकिन उससे पहले एक और सेंटेंस देखते हैं। दीज टू आर अलाइक फ्रेंड्स, दीज टू आर अलाइक फ्रेंड्स। अलाइक मतलब एक समान, अलाइक भी चेंज होगा, लास्ट में आएगा और हो जाएगा दीज टू आर फ्रेंड्स अलाइक। क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन है, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, अस्लीप, अलोन, अकीन, अलाइक, अवेक, अशेम्ड, एवर्स एंड अफ्रेड, ऐसे इतने ये सारे वर्ड, और साथ में इल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं। और आप जानते हैं नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वे नाउन के पहले आते हैं। इस तरह से मैन एक नाउन है, नाउन के पहले असली को आना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा हुआ। फिर अलाइक भी एडजेक्टिव तो फ्रेंड्स के पहले आना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, ये उल्टा सही हुआ यहाँ पे। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इनको आना होगा नाउन के बाद। ये हैं एक्सेप्शंस, और इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। अस्लीप में सोता हुआ, एलोन में अकेला, अकीन और अलाइक मतलब एक समान या के समान होता है, अवेक मतलब जगा हुआ, अशम मतलब सर अशम मतलब शर्मिला शर्मिला, एवर्स मतलब प्रतिकूल, इल मतलब बीमार, अफ्रेड मतलब भयभीत। तो इस तरह से जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, और इनको आना है बाद में, नाउन के बाद में, याद रखना है। ए से स्लीप, अलोन, अकीन, अलाइक, अवेक, अशेम्ड, एवर्स, अफ्रेड, आई से इल, बस इतने ही हैं। ऐसे एटसेट्रा लिखा हुआ है, मेनली यही वर्ड्स हैं। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज टू प्योर, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज टू प्योर। गलती यहाँ पे टू पे है, क्योंकि टू प्योर, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, दैट मे नॉट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे वेरी डाल देंगे हम। द हाउस इज टू मच स्मॉल, टू मच स्मॉल। हम बोलने में तो बोलते हैं, लेकिन गलती कर दिया हमने, गलती बोलते हैं, द हाउस इज वेरी मच स्मॉल बोलते हैं। नहीं तो अगर टू मच का यूज करना है तो मच टू करना पड़ेगा, दिस हाउस इज मच टू स्मॉल, दोनों सेंटेंस का सही होगा, ध्यान रखना है हमें, ये बहुत ही कम मिलता है। टू का मतलब होता है मोर देन एनफ, काफी से भी अधिक, निगेटिव मीनिंग हो जाता है इसका, इसलिए यहाँ पे टू नहीं होगा, वेरी होगा। और फिर वेरी का मीनिंग तुम्हें पता है, वेरी का मीनिंग होता है अधिक, इसका यही एक्सप्रेशन है। अभी देखिए, अपनी हिट मोडक हार्डली, ताप्ती ने मोदक को जोर से मारा, इसका मीनिंग यही हो सकता है, और यहाँ पे हार्डली है, देखते हैं। ताप्ती हिट मोदक हार्ड, हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है शायद ही, मुश्किल से, मुश्किल से, करीब करीब, ऐसे कुछ, ये सब मीनिंग होता है हार्डली का। और जो एक निगेटिव वर्ड है, यह निगेटिव वर्ड भी है, तो यहाँ पे ताप्ती ने मोदक को शायद ही मारा, ये तो उचित नहीं लग रहा है, हार्ड होना चाहिए हार्डली की जगह पर। ऐसे ही इसको आप बना दीजिए, माई फादर वॉज हार्डली हिट, माई फैमिली वॉज हार्डली हिट बाई माई फादर्स डेथ, इसका होगा माई फैमिली वॉज हार्ड हिट हो जाएगा बाई माई फादर्स डेथ। हार्डली का मतलब होता है करीब करीब, नहीं करीब करीब, नहीं, निगेटिव है ही, नहीं रहेगा। और हार्ड का मतलब होता है जोर से, दोनों का मीनिंग निकालेंगे तो जोर से मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, और जोर से प्रभावित हुआ परिवार यहाँ पे, इसलिए हार्ड और हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है, अक्ष रैन फास्टली, ये फास्टली जो आपको दिख रहा है, फास्ट का मतलब क्या होता है? तेजी से, तो यहाँ पे फास्ट अगर लिख दें कि अक्ष तेजी से दौड़ा तो सही तो है,
फास्टली होता ही नहीं, हम इतना बार गलत का प्रयोग करते हैं कि फास्टली को भी वर्ड बना दिया है, फास्टली वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, इसलिए अक्ष रैन फास्ट होगा सही। अब दूसरा देखिए, वंस लास्ट नाइट वेंट टू द पिक्चर्स, वंस लास्ट नाइट वेंट टू द पिक्चर्स में लास्ट लाइन लास्ट नाइट में प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट नाइट प्रायर सेंटेंस के लास्ट में होता है, बाकी सब ठीक है। वंस वेंट टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट आ जाएगा, और इधर फास्टली का बता दिया कि वर्ड ही नहीं होता है, और लास्ट नाइट सेंटेंस के अंत में होता है प्राय, ये हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, द न्यूज इज मच इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज मच इंटरेस्टिंग, इसका एक्सप्लेनेशन भी इंटरेस्टिंग है, मतलब समाचार बहुत रुचिकर है, लेकिन ये मच यहाँ पे नहीं होगा, बहुत के लिए वेरी का प्रयोग करेंगे, आपको हम बताएंगे। उससे पहले देखिए, एक वर्ड लिख रहा हूँ, राइट वर्ब है, सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म होता है राइट्स। जो थर्ड फॉर्म होता है इसे बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आई रहेगा यहाँ पे, और जो फोर्थ होता है इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है। तो अभी जो इंटरेस्टिंग है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे एक और सेंटेंस के बाद। द क्वेश्चन हैज बीन वेरी डिस्कस्ड, वेरी डिस्कस्ड, डिस्कस्ड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अभी इसका होगा क्वेश्चन हैज बीन मच डिस्कस्ड, कहानी क्या है, कहानी है जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, देख लीजिए वेरी का जो मतलब है वही मतलब मच का है, और वह क्या है, बहुत। तो कोई कहीं भी यूज हो, फिर क्यों आया प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी क्यों आया और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच क्यों आया, क्योंकि रूल है कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच का प्रयोग करेंगे बहुत के मीनिंग के लिए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग करेंगे बहुत वर्ड की मीनिंग के लिए, इसीलिए ध्यान रखिए इंटरेस्टिंग है। नीचे का भी इंटरेस्टिंग है, देखिए, नक्शा सेल्डम और एवर रिफ्यूजेज अ रिक्वेस्ट, देखिए वर्ड होता है एक सेल्डम और नेवर, दूसरा सेल्डम इफ एवर, हिंदी होती है शायद ही या कभी नहीं, दूसरे का हिंदी याद रखिएगा, मिलता नहीं जल्दी, शायद ही या कभी, सेल्डम और एवर तो वर्ड ही नहीं होता, सेल्डम और एवर तो वर्ड नहीं, सेल्डम और नेवर होता है, चाहे सेल्डम इफ एवर होता है, तो हम दोनों से किसी से रिप्लेस कर देंगे इसको, सेल्डम और नेवर कर देंगे। यहाँ पे सेल्डम और एवर फिर आ गया है, फिर इसे रिप्लेस कर देंगे हमारी मर्जी से, यही लिखा है कि सेल्डम और एवर इनकरेक्ट है, होता ही नहीं है, सेल्डम इफ एवर होता है, चाहे सेल्डम और नेवर होता है, हिंदी मीनिंग लिख दिया है, ये ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलता नहीं है। फिर है राम वाली वॉक्ड टू सॉम्स, बताने से पहले आपसे पूछता हूं, केवल दो, इसका क्या होता है इंग्लिश, ओनली टू, केवल राम, इंग्लिश क्या, ओनली राम, समझ गए होंगे कि हिंदी में जिस वर्ड के पहले केवल है इंग्लिश में भी उसी वर्ड के पहले केवल रहेगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ओनली जहाँ पे है उसके बाद जो वर्ड है उसके लिए ये ओनली का प्रयोग होगा, उसके साथ केवल, मतलब जिसके साथ केवल होगा उसके पहले आएगा। तो राम ओनली वॉक टू सम्स से तो मतलब यही निकल रहा है कि राम ने केवल दो सवाल बनाए, तो क्या होगा, केवल दो आ रहा है तो केवल जो दो सवाल है उसके पहले केवल डाल देंगे हम, केवल दो, दो के पहले केवल आ रहा है तो हम ओनली यहाँ डालेंगे, तो जिधर केवल आएगा वहां पे डालेंगे ओनली, हंस ओनली सक्सेस इन द एग्जाम, हिंदी में नहीं निकालने पर लग रहा है कि एग्जाम में केवल हंस ने सफलता प्राप्त किया है, केवल हंस ने, तो हंस के पहले ओनली डालेंगे, Only Hans succeeded in the exam. इसको भूलना नहीं आप, केवल का कैसे करते हैं, ओनली
प्रयोग उसी वर्ड के पहले करते हैं जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है, क्वालिफाई करता है। फिर है मीरा क्विकली रैन, मीरा क्विकली रैन। देखिए आप जानते हैं ना एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं आप? एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले रहता है, ये आप जानते हैं, जनरल रूल है। ऐसे ही एडवर्ब के बारे में आप जानते हैं कि एडवर्ब किसी वर्ब के बाद में रहता है, ऐसा है जनरल रूल। यहाँ पे वर्ब है, इधर एडवर्ब है, इसको हमें डालना पड़ेगा रैन के बाद और हो जाएगा मीरा रैन क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद बना देंगे, दे इमीडिएटली डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड के बाद आ जाएगा इमीडिएटली, ये हो गया। एक्सप्रेशन यही है जो समझाया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब जब होता है सेंटेंस में तो जो एडवर्ब होता है उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में होता है। फिर बिटवीन राम एंड मीरा द लेटर इज बेटर, यहाँ गलती है लेकिन मैं उससे पहले एक वर्ड का आपको लिख रहा हूँ डिग्रीज, लेट वर्ड है, लेट का कंप्लीट डिग्री होता है लेटर और फिर लास्ट। इसका दूसरे तरीका से बनता है, यह होता है लेटर और लेटेस्ट, इसका मतलब होता है इस लेटर का बाद वाला। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ये हो गया। तो यहाँ पे ये लेटर तो हट जाएगा और ये हो जाएगा लेटर हट जाएगा, लेटर हट, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, इसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। देखिए क्या है, बिटवीन राम एंड मीरा द लेटर इज बेटर, राम और मीरा में बाद वाला अच्छा है, अधिक अच्छा है। बाद वाला कौन? मीरा। तो मीरा यहाँ लिख सकते थे, मीरा के बदले में हम लेटर कर दिए प्रयोग, तो हम समझेंगे कि किसके लिए आया है, मीरा के लिए आया है। तो राम और मीरा में द लेटर इज बेटर, बाद वाला अधिक अच्छा है, और इसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे बाद वाला हो गया। और लेटर का मतलब क्या होगा, लेटर का मतलब आपके सामने आएगा, हरी हैड कम लेटर देन राम, यहाँ पर लेटर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लेटर। और हिंदी क्या होती है, लेटर का हिंदी बाद वाला और लेटर का हिंदी अधिक देर से, इसका मतलब तो होता है देर, लेट मतलब देर, देर, तो इसका हो गया अधिक देर से। इसका अंतिम आप जानते हैं लास्ट का, इसका बाद वाला और इसका सबसे नया, लेटेस्ट मतलब होता है सबसे नया मीनिंग। तो आप ध्यान रखेंगे कि दो लोगों में, चाहे दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, जब लेटर कहेंगे तो कहेंगे कि बाद वाला, और फिर ऐसे ही लेटर का मतलब होगा समय के मीनिंग से अधिक देर से। वर्णमाला लुक्स सैडली, वर्णमाला लुक्स सैडली, वर्णमाला लुक्स सैड। फिर है देखिए यहाँ पे सैड क्या है, सैड एक एडजेक्टिव है, बताएंगे रूल। विधाता सिम्स हैप्पीली, आप इसको कर देंगे विधाता सिम्स हैप्पी। कुछ वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से, सीम, एस से सीम, स्मेल, साउंड, एस से तीन हो गए। फिर अपीयर, फील, टेस्ट, लुक एंड टेस्ट, ये वर्ड्स होते हैं। अगर सेंटेंस में यूज हुए हैं वर्ब के रूप में तो एडजेक्टिव होता है जो वह इन वर्ड्स के बाद आता है, और ये सेंटेंस में शुरू अगर यूज हुए हैं तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई एक वर्ब होगा और तब एडजेक्टिव आएगा इन वर्ब्स के बाद में। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और फिर ये वर्ब ग्रुप में होंगे तभी एडजेक्टिव आएगा, कहीं और अगर आ गए तो एडजेक्टिव का कोई कनेक्शन नहीं है इनसे, मेन वर्ब ग्रुप में इनका प्रयोग होना चाहिए। सीम, स्मेल, साउंड, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, यहाँ टेस्ट है। इसीलिए लुक मेन वर्ब है इसलिए सैड आया है, यहाँ सीम मेन वर्ब है इसलिए हैप्पी आया हुआ है, क्योंकि हैप्पी, क्योंकि सीम इसमें है, लुक इसमें है, और भी हो सकते थे। अभी देखिए आई डोंट हार्डली नो दिस गर्ल,
आई डोंट हार्डली, अपने क्वेश्चन टैग में सीखा है, क्या सीखा है कि सेंटेंस निगेटिव बनता है खाली नो नॉट से निगेटिव नहीं बनता है, नो नॉट नेवर इनसे निगेटिव नहीं बनता है, कुछ निगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही निगेटिव वर्ड है तो फिर डोंट डालने की जरूरत नहीं है, आई हार्डली नो दिस गर्ल, इसी से काम चल जाएगा। एक निगेटिव, दो निगेटिव, डबल निगेटिव हो रहा था इसमें। दूसरा देखिएगा, बादल कैन नॉट स्केर्सली सी इन दिस लाइट, स्केर्सली निगेटिव है तो नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा बादल कैन स्केर्सली सी इन दिस लाइट। एक्सप्रेशन क्या है कि हार्डली स्केर्सली हिंदी होती है शायद ही, और भी बताया पहले भी, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। हार्डली स्केर्सली क्या है, निगेटिव वर्ड्स, इसलिए नो नॉट का यूज तो करना ही नहीं इनके साथ, निगेटिव खुद ही है अपना काम, नो नॉट का भी काम कर लेते हैं। अभी सोफी केम ऑलवेज लेट, ऑलवेज का पोजिशनिंग पे बात करेंगे। ऑलवेज आता है मेन वर्ब के जस्ट पहले, जो भी मेन वर्ब रहेगा उसके जस्ट पहले ऑलवेज आता है। खाली ऑलवेज ही नहीं, जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है वो आता है। वी वेंट ऑफन देयर, यहाँ पे ऑफन आ जाएगा वेंट के पहले और हो जाएगा वी ऑफन गो देयर। और यहाँ देख लीजिए, ऑलवेज ऑलमोस्ट ए से, नेवर नियरली एन से, समटाइम्स ऑफन एक दूसरे का अपोजिट है, क्वाइट जस्ट, और फिर अब है एल वाई अंत में, फ्रिक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, ये सब जो वर्ड्स हैं यह सब का प्लेसमेंट होता है मेन वर्ब के जस्ट पहले होता है, मेन वर्ब के जस्ट पहले, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जैसे ही इज रीडिंग, यहाँ पे ऑलवेज जोड़ना है, क्या करेंगे, मेन वर्ब के जस्ट पहले, मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, तो ऑलवेज, ही इज ऑलवेज रीडिंग, मेन वर्ब के जस्ट पहले करने का मतलब यही है। हेल्पिंग वर्ब रहे तो कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, मेन वर्ब जहाँ पे है उसके जस्ट पहले आएगा ये सब।